प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा तथ्य डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ भी बना सकता है और लाइफ के अंदर काम भी आ सकता है। बच्चों, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, dx अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसको बच्चों क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। तो अब पीछे से पूरा बच्चे कह रहे हैं, सर इट्स वेरी सिंपल, इसमें आप कौन सा खास कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, हमें क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं भी आपकी तरह बच्चा था ट्वेल्थ क्लास में, 1987 की बात है, तो मैं भी ये क्वेश्चन कर रहा था। तो मैं अपने टीचर से बहुत सारी बातें पूछता था इसके बारे में, तो मुझे क्या जवाब मिलता था। और आप लोग क्वेश्चन तो पक्का कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन इस क्वेश्चन के तथ्य के बारे में, अंदर तक जाने के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये देखो बच्चों, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना चाहें तो आप इसको सिक्स स्पेशल इंटीग्रल से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करके आएगा, यूनिटी आएगा, और उसके बाद जो कोएफिशिएंट एक्स होगा उसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और वो नंबर्स जो है आप ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कुछ ना कुछ स्पेशल इंटीग्रल वाला सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चों, मुझे उससे नहीं करना, ठीक है। तो ये बच्चों 11th क्लास में ये प्रॉब्लम्स मेरे पास आई थी 1986 के अंदर। उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ स्पेशल सीक्वेंस होती है, वहाँ पर उस क्वेश्चन को हम पार्शल फ्रैक्शन से करते हैं। क्या करते हैं? पार्शल फ्रैक्शन से। तो अब इस क्वेश्चन को भी हमें किससे करना है? पार्शल फ्रैक्शन से करना है। तो आज बड़ा आप दिल थाम के बैठो, इस पार्शल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अब मेरे टीचर ने बताया कि मुझे, वो कहते हैं ये क्वेश्चन है आपका x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ पर तीन निशान आते हैं क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, इक्विलेंट होती है, और इसके बाद इसको कर देते हैं a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू। अब मैंने अपने टीचर से पूछा कि ये a क्यों लिख दिया सर आपने, और ये b क्यों लिख दिया, तो उसने मुझे डरा के बिठा दिया। तो टीचर को वो बच्चे पसंद नहीं आते जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता था। मैं सोचता था ये कि यदि मुझे मैथ्स में मार्क्स लेने हैं तो इसी तरह मैं मार्क्स ले सकता हूँ, रट के भी जा सकता हूँ, एक महीना पहले भी पढ़ के जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसे पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। तो बच्चों, जब पढ़ाते पढ़ाते इस बारे में मुझे पता चला कि इसे ए क्यों लेते हैं, इसको बी क्यों लेते हैं, और जो जो मैंने रिसर्च की, जिस जिस बारे में मैंने सोचा, वहाँ पर नाम था बच्चों पार्शल फ्रैक्शन। ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसको क्या करना है बच्चों, पार्शल कर देना। क्या कर देना? पार्शल। और फ्रैक्शन क्या होती है? जीरो और वन के बीच में क्या करती है? लाइस करती है और कुछ नहीं करती। तो पहली बात तो आप लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, यहाँ पर ये तीन निशान आते हैं इक्विलेंट। इसको हमें क्या लिखना है? ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्विलेंट होने जा रही हैं, लेकिन वो तब इक्विलेंट होंगी जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, तब ये दोनों साइड्स क्या होती होंगी, इक्विलेंट की जगह आपका कौन सा निशान आ जाएगा? इक्वल का निशान आ जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैं अपने टीचर से बार बार पूछूं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अपने और बहुत से जनों के साथ डिस्कशन किया, सब कुछ किया, उनसे भी पूछा। तो एक इकोनॉमिस्ट हुए मिस्टर रॉबर्ट, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं एक आदमी पुअर होता है, एक आदमी रिच होता है। अब वो पुअर क्यों होता है, उसकी वजह भी है, एक आदमी रिच होता है उसकी भी एक वजह है। रिच आदमी जो है एक इंडस्ट्री लगाता है, क्या करता है? इंडस्ट्री लगाता है, ठीक है। और एक पुअर आदमी जो होता है, पुअर मतलब आप अपने ऊपर मत ले जाना, पुअर मतलब गरीब आदमी जो फाइनेंशियली और हर तरह से मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कमज़ोर रह जाता है, उसे हम पुअर मान लेते हैं। वो पुअर कैसे रह जाता है कि वो अपने आगे के बारे में नहीं सोचता। पुअर जो है अब क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट, कि
वो सिर्फ सर्विस करेगा, सुबह जाएगा 10 घंटे की सर्विस देगा और वापस आ जाएगा, उस लेवल से ज़्यादा नहीं सोचेगा। या दूसरा क्या हो सकता है कि एक स्मॉल बिजनेस करेगा। स्मॉल बिजनेस करने का मतलब क्या है कि भैया कोई डॉक्टर की दुकान खोल ली, कोई एम्प्लॉइज की दुकान खोल ली, कुछ खोल ली, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। एक इंडस्ट्रीज होता है जो रिच होता है, जैसे रिलायंस हो गया, धीरूभाई अंबानी हो गया, टाटा हो गया, हर कोई हो गया, ये अपना इंडस्ट्री लगाता है, ये पैसा भी हमसे लेता है और पैसा भी काम भी हमसे करवाता है और खुद क्या ले जाता है, प्रॉफिट ले जाता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप मैथ्स के अंदर रिच बनना चाहते हो तो आपको अपनी मैथ्स की डिस्कशन बढ़ानी पड़ेगी हर जगह, हर जगह, कि कैसे उसको डिस्कस करना है, कैसे उसमें से रिजल्ट्स निकालने हैं, कैसे सब कुछ करना है। और नहीं तो आप ये सोच सकते हो कि मैथ्स में मुझे 100 घंटे देने हैं और 100 घंटे दे के मेरे मार्क्स तो आ ही जाएंगे, और लेकिन आजकल CBSE पिछले 2 सालों से मार्क्स नहीं दे रही, पहली बात ये बता दूं मैं आप लोगों को। तो आपको मैथ्स को बिल्कुल ऑन एन एवरेज, बिल्कुल तथ्य तक जाके, बिल्कुल नीचे तक जाके उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और यदि इससे काम नहीं चलता तो स्मॉल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। तो आप कौन है बच्चों, रिलायंस टाटा की तरह है या नहीं है, और साथ में किसकी तरह है, नोकिया की तरह भी नहीं है, उसको भी क्या करना पड़ता है, अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज की डेट में खत्म हो गया। तो आपने अपने आप को हर जगह से अपडेट करना है, तभी चल सकेंगे, अदरवाइज नहीं चल सकेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये 1/(x-1)(x-2) इज इक्विवेलेंट टू a/(x-1)+b/(x-2) है, ऐसा क्यों कर दिया शालिनी? सलमान आप बताओ बेटा, ऐसा क्यों कर दिया? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार घूमता था, बार बार घूमता था, ठीक है। अब फिर टीचर एक क्वेश्चन तो सुलझा नहीं, उसके बाद एक क्वेश्चन और आ गया dx/(x²+1) और उसके बाद आ गया x-2। टीचर कहता है इसको बेटा ये सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है ax+b/(x²+1)+c/(x-2)। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ नहीं था, दूसरी और दुविधा आ गई हमारे पास। कहते हैं सब बस ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो कहता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा तो ऐसे करना है, लीनियर होगा तो ऐसे करना है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहता था, ठीक है। और ये पहली प्रॉब्लम्स मेरे पास स्पेशल सीक्वेंस के अंदर आई, वहाँ पर कई क्वेश्चन जो हैं उस टाइम में पार्शियल फ्रैक्शन से होते थे। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में तो बहुत कुछ सुना हुआ है हमने, सब कुछ किया हुआ है। तो आज इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ए ही क्यों लिखा, बी ही क्यों लिखा, यहाँ ax+b क्यों लिखा, वहाँ सी क्यों लिखा। यदि ये बात आपको समझ आ जाएगी तो आप आगे बढ़ के अच्छी तरह कर सकते हैं, और ये इंटीग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी, आपको अच्छी लगेगी। तो अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताओ, ये तो आपको पता चल गया कि ये दोनों साइड्स क्या हैं बच्चों, इक्विवेलेंट हैं। अब मुस्कान बेटा ये बताओ मुझे, यदि मैं x²+1 को किसी लीनियर से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, ये बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। देखो x²+1 को मैं x-1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया x²-x, ये माइनस प्लस, ये आ गया x+1, फिर +1 पे किया ये x-1 आ गया, तो माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया 2। तो रिमाइंडर क्या आ रहा बेटा, क्या आ रहा रिमाइंडर? तो मेरे दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ऊपर पॉलीनोमियल कोई भी डिग्री का हो, nth डिग्री का हो, n+1 डिग्री का हो, यदि मैं उसको लीनियर से डिवाइड करूंगा तो नीचे जो रिमाइंडर आने वाला है वो क्या आएगा, कांस्टेंट। और उस रिमाइंडर के बारे में मुझे मालूम नहीं है, वो यहां पर क्या लिखा जा रहा है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, लिखा तो यही जा रहा है। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो इसलिए यहां पर बच्चों क्या लिया जाता है, ए लिया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या ए क्या आने वाला है, कोई कांस्टेंट आने वाला है। और यहां पर भी ये क्या बच्चों, x-2 क्या है, लीनियर, जब इसको डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर जो आने वाला है वो भी कौन सा आने वाला है, वो भी क्या आने वाला है, कांस्टेंट। इसलिए यहां पर क्या लेते हैं बच्चों, ए और बी लेते हैं, क्या लेते हैं, ए और बी। यहां तक बात सब बच्चों को समझ आ गई या नहीं आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई? ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसको समझना है। हाँ जी शालिनी आपको क्या बात समझ आई, यदि किसी लीनियर को किसी भी पॉलीनोमियल से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, यूसी कांस्टेंट आएगा, इसलिए यहां पर क्या लिया गया, कांस्टेंट। और यदि किसी क्वाड्रेटिक को किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री से डिवाइड करोगे
तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, हमेशा लीनियर आएगा, क्या आएगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लिया गया, लीनियर। ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे नहीं बताई गई, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको समझना अच्छी तरह और करना है। अब बच्चों ये तो आपको समझ आ गया, ये क्या रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की तरह है, ये भी क्या है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की तरह है। अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को और आगे डिस्कस करते हैं और इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। बच्चों क्या होता है, कई बार कई बुक्स में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर करके, पहले जो पुरानी एनसीईआरटी आती थी वहाँ पर ए और बी की जब वैल्यू निकालनी होती थी तो कैसे निकाली जाती थी, इधर देखो, इधर सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया पहले बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया आयुषी, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू से। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते थे, लेट एक्स इक्वल टू वन रख दिया, क्या रख दिया, एक्स इक्वल टू वन, तो यहां पर वैल्यू आ गई वन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू, तो माइनस वन ए इक्वल टू वन, तो ए इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस वन, ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। लेकिन करीना तुम्हें एक बात बताऊं मैं, ये मैथमेटिकली रॉन्ग कर रहे हैं। तो उसके बाद एनसीईआरटी ने अपने आप को इम्प्रूव किया काफी डिस्कशन के बाद कि ये मेथड जो है बच्चों गलत है। कैसे गलत है बेटा, देख मैंने x की जगह बेटा 1 रखा यहाँ पर, देख बड़े ध्यान से देख, x की जगह 1 रख दिया ऊपर, तो 1 माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन, और इधर क्या आ गया बेटा, b इज इक्वल टू 1 माइनस टू। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, इधर क्या आ रहा है, जीरो, इधर भी क्या आ रहा है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जीरो से जीरो को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, ये तो फंक्शन को क्या आ चुका है हमारे अकॉर्डिंग, हार्ट अटैक आ चुका है, ये तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि दोनों तरफ कोई भी वैल्यू पुट करके करना। फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि आपने ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, लेकिन वहां पर जो सही तरीका है और वेल बैलेंस्ड तरीका है उसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जब मैंने वन रखा तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, चलो जीरो से जीरो कैंसिल, ये तो सिर्फ वही कैंसिल कर सकते हैं जब वो क्या होती है, लिमिट होती है। तो मैथमेटिकली क्या है बच्चों, ये रॉन्ग है, मैथमेटिकली क्या है, ये रॉन्ग। अब देखो करीना, सलमान आप भी देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, विशाल इस क्वेश्चन के अंदर दो साइड्स बन चुकी हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और जो सही तरीका है वो क्या है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स किससे इक्वेट कर देंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स, किससे इक्वेट कर देंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये एक तराजू है दोनों तरफ, तो उधर x के कोफिशियंट है और कांस्टेंट है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, तो इधर क्या आ गया बेटा आयुष, जीरो, इधर क्या आ गया a प्लस बी, शालिनी समझ आता है, x का कोफिशियंट क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, इधर x का कोफिशियंट क्या है a, इधर x का कोफिशियंट क्या है b, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशियंट क्या था, जीरो। अब मुस्कान दोनों तरफ किसको इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग बोथ साइड्स साइड्स बाई कॉन्स्टेंट टर्म, बाई कॉन्स्टेंट किससे इक्वेट कर दिया बच्चों, कॉन्स्टेंट से, इधर कॉन्स्टेंट क्या बच्चों, इधर देखो वन, इधर क्या है माइनस टू, और इधर क्या बच्चों, माइनस बी। तो अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, टेंथ क्लास में आपने बहुत अच्छी तरह सीखा हुआ है, जब दो लीनियर इक्वेशन होती हैं तो उसको जब सॉल्व किया जाता है तो उसका आंसर आपको मालूम है कैसे निकाला जाता है, ऊपर प्लस बी है नीचे क्या है माइनस बी, तो इसको सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस ए इक्वल टू वन, तो ए इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस वन, ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन, और ये आ गया बच्चों माइनस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, वन, ए की वैल्यू भी क्या आ गई माइनस वन और बी की वैल्यू भी क्या आ गई वन, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों सबको समझ आ गया। अब बेटा क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। ए की वैल्यू क्या आई है बच्चों, माइनस वन, और शालिनी बी की वैल्यू क्या आई है, वन। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया बच्चों, इंटीग्रेट कर दिया, और आंसर आ गया आपका माइनस ऑफ लॉग, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, यही हमारा मकसद था, तो नीचे एक्स माइनस वन है ऊपर उसका डेरिवेटिव दिस है, और ये क्या है, लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी, तो आंसर आ गया लॉग ऑफ एक्स माइनस टू माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी, और आंसर हो गया आपका लॉग ऑफ एक्स माइनस टू
अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, इस तरह आपने इसका आंसर निकालना है। अब बच्चों वहां पर यदि आप टाइम सेविंग करना चाहते हैं, यदि ये इक्वेटिंग द कोफिशिएंट तो आपने करना ही करना है, ये शॉर्टकट सिर्फ टाइम सेविंग के लिए होते हैं, और प्लस दूसरा जो होता है कि आपने आंसर ठीक निकाला या नहीं निकाला। कई बार क्या होता है वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन निकालता है, ऐसा आ जाता है जिससे वो आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है, तो जो क्वेश्चन आते होते हैं उनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। तो अब इसके अंदर मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें आप ए और बी की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब इधर देखो बच्चों, जब आप इसको कर रहे थे लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना, उसमें मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर जब भी हम कोई शॉर्टकट लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मर्डर ऑफ मैथ्स। क्या होता है, मर्डर ऑफ मैथ्स। तो मैथ्स का मर्डर नहीं करना आपने, आप लोगों ने तो अपनी जो भी नॉलेज है उसको दुनिया में जाके शेयर करना है, और उस नॉलेज को क्या करना है, बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है, जो कि मैंने रॉबर्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं जो हमें बताते हैं उस तरह करना है। ये नहीं कि अपने तक ही रख लेना है कि हाँ जी मैं नौकरी कर रहा हूँ तो बस मैंने को इतना ही काम करना है। यदि किसी एम्प्लॉइज को कहा जाए भैया आज तेरी एक ड्यूटी बढ़ गई है, तूने पानी भरना है, या अपने बॉस को सुबह छोड़ के आना शाम को लेकर आना, कहता है ये मेरा काम नहीं है। लेकिन आपने करना है, जिम्मेवारी लेनी है, हर हालत में लेनी है, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। तो मैथ्स के बारे में आगे सोचना है आपने। तो अब इधर देखो बच्चों, शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू, ये आपका क्या था पार्शियल फ्रैक्शन की, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। विद इन सेकेंड आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे आएगी, यहाँ पर जो आपका नीचे फैक्टर है वो आपको क्या दे रहा है, जीरो क्या है इसका, वन। आपने वन लेफ्ट हैंड साइड में वहां पुट करना है जहां पर नहीं है, और जहां पर है वहां पर वन नहीं पुट करना। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर तो वन है, यहां पुट नहीं करना, तो वन माइनस टू, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों, माइनस वन। ए की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन। ठीक है, अब बच्चों आपने एक्स का टू पुट करना है, बी के नीचे क्या है बच्चों, एक्स माइनस टू, एक्स का जीरो क्या है, टू है, एक्स का जीरो क्या है, टू। तो यहां पर प्यारे बच्चों आपने कहां पुट करना है, टू माइनस वन, यहां पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर है। ठीक है, पुट एवरीवेयर बट डोंट पुट वेयर इट इज देयर, यहां पर वो है वहां नहीं पुट करना। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, बी की, और बी की वैल्यू क्या आ रही थी बच्चों, वन अपॉन वन। तो आंसर क्या गया, ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू वन। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। और बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हुए आपने एक प्रिलिमिनरी टेस्ट जरूर पास करना होता है कि न्यूमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि ज़्यादा है या इक्वल है तो आपको कोशेंट प्लस रिमाइंडर पॉइंट डिवाइजर करके लिखना पड़ेगा। तो मैं एक टाइप और ले रहा हूँ आप लोगों के आगे, उसको भी आप लोग समझेंगे अच्छी तरह और उसको भी करेंगे, और शॉर्टकट नहीं लगाना बच्चों। हाँ जी मुस्कान, dx अपॉन x माइनस वन, ये आया 2x माइनस थ्री और x माइनस फोर। ये कितने बच्चों आ गए बच्चों, लीनियर फैक्टर्स कितने आ गए, तीन आ गए, लीनियर फैक्टर कितने आ गए, तीन। तो जब इसको किसी भी पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखी जाएगी प्यारे बच्चों, ये बताओ। ये बच्चों लीनियर है, कहीं इसको कुछ और समझो, x माइनस वन, 2x माइनस थ्री और x माइनस फोर इज इक्विलेंट टू ए अपॉन एक्स माइनस वन, और ये आ गया बी अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, और नेक्स्ट आ जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस फोर। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ आती है। अब नीचे जो एल सी एम है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया बेटा, वन, और ए की वैल्यू नहीं, शॉर्टकट नहीं लगाना बच्चों, टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। तो मैं तो सी बी एस ई की क्लास में कभी शॉर्टकट भी डिस्कस नहीं करता, इसी वजह से नहीं करता डिस्कस। और ये आ गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, और c इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ तक मुस्कान बात समझ आती है नहीं आती। अब आपने बड़े ध्यान से बच्चों क्या करना है, इसको खोल देना है, क्या कर देना है, इसको खोल देना है। तो ये आ गया टू एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व। और बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को मालूम है, यदि सम ऑफ द जीरोस मालूम होते हैं आपको तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा बेटा, माइनस फाइव एक्स आएगा या नहीं आएगा बताओ, और प्लस क्या आएगा यहाँ, फोर। समझ आई है या नहीं, ठीक है, क्लियर है।
और यहां पर रेशियो क्या आएगा, 2x² - 3x - 2x + 3। यहां तक बात क्लियर है बेटा? अब हमने क्या किया बच्चों, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, बताओ कौन था पहले कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ जी क्या आ गया, 0 इधर क्या आया 2a और इधर क्या आया b और उधर क्या आया बच्चों c। यहां तक बात समझ आया? अब कौन सा कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे शालिनी, x का, इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा बेटा, यहां पर ये क्या आया 0, ये क्या आया -11a और यहां पर क्या आया -5b और यहां पर क्या आया -5c। बात समझ आई या नहीं? और नेक्स्ट क्या इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड्स कांस्टेंट टर्म, कैसे करेंगे बताओ बच्चों, आयुष बताओ क्या होगी कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आयुषी 1 और इधर क्या है 12a, क्या है ये 12a और उधर क्या है +4b और उधर क्या है +3c। अब आप लोगों को यहां से 3 इक्वेशन दे रखी हैं, कई बच्चे कह रहे हैं सर इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लें, तो बस हो गया बेटा काम तुम्हारा, मैट्रिक्स मेथड क्रैमर रूल किसी से सॉल्व नहीं करना, आपने सबसे बड़ा काम क्या करना है, इन दोनों में से सी को इक्वेट, सी को एलिमिनेट कर दो और फिर इन दोनों में से भी किसको एलिमिनेट कर दो, सी को एलिमिनेट कर दो, तो 2 इक्वेशन आपके पास किसके अंदर आ जाएंगी, ए और बी के अंदर, फिर उस ए और बी वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी और सी की, और उसके बाद आप सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट, तो आपको पहले इसको सी को एलिमिनेट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से, और इन दोनों में से सी को एलिमिनेट करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से और इसको किससे, सेकंड वाली इक्वेशन को किससे करना पड़ेगा 3 से, तो दोनों इक्वेशन में से सी एलिमिनेट होकर 2 इक्वेशन आ जाएंगी ए और बी में, उसको सॉल्व कर देना, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैं आपको डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू निकालना सिखा देता हूं, और करना आपने वहां पर स्कूल के अंदर हर जगह करना उसी तरह। अब बेटा ए की वैल्यू निकालनी है, बोलो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू 1/2 - 3 - 1 - 3। बात आई बच्चों समझ? अब बच्चों बी की वैल्यू निकालनी है, 3/2 रखनी पड़ेगी, तो 3/2 - 1 क्या होगा बच्चों, 8 में से 3 का तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो -4/5, तो आप सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या रखना पड़ेगा बच्चों, 4, तो 4 - 1 और ये आ गया 8 - 3, लेकिन वहां नहीं रखनी, यहां पर उसका फैक्टर है, तो ये क्या आ गया आयुषी 1/3, करीना क्या आ गया बेटा ये 5, नंदिता क्या आ गया 1/15, इज इट क्लियर। अब बच्चों हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा सा बच्चों यदि आपकी पिछली नॉलेज अपडेट है और सारे काम आप कर रहे हैं तो फिर आपकी गलती नहीं होने वाली और यही क्लास आपको खूब फायदा दे देगी। अब यहां पर आप इक्वल का निशान भी लगा सकते हैं क्योंकि आप जा रहे हैं ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करने और बी की वैल्यू होगी बच्चों -4/5 - 2x - 3 और सी की वैल्यू 1/15 - x - 4 - dx। हाँ जी ये बताओ बच्चों पहला वाले का आंसर क्या आ गया 1/3 और ये आ गया log ऑफ x - 1, नेक्स्ट आ गया -4/5 log ऑफ 2x - 3, ये 2 भूल मत जाना, ये बच्चे गलती कर देते हैं, ये एक्सटेंशन है जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए थे ax + b का, तो 2 भी नीचे आता है और इधर क्या आ गया बेटा +1/15 - log ऑफ x - 4 + c। ये बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई, ठीक है। तो अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ आपके लिए इसी टाइप का, उसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छी तरह करना है आपने, तो आज इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का ये 6th क्वेश्चन है और इसको आपने समझना है। हाँ जी इधर देखो बच्चों 1 - x² / x - 2x, यहां तक बात समझ आई बच्चों 1 - x² / x - 2x।
अब जतिन जी बताओ इसको नेक्स्ट टाइप मैंने क्यों दिया, इसका नाम नेक्स्ट टाइप क्यों डाला? विशाल आप बताओ बेटा, मुस्कान आप बताओ, नंदिता आप बताओ बेटा, आप बता दो सलमान। हाँ जी आयुषी बताओ, बच्चों बहुत बढ़िया, क्लैप कर दो आयुषी के लिए। बच्चों इस बच्चे ने बताया कि यहाँ पर ये प्रिलिमिनरी टेस्ट इसका फेल हो गया। प्रिलिमिनरी टेस्ट कैसे फेल हो गया? क्योंकि न्यूमरेटर की पावर क्या है? 2, और डिनोमिनेटर की पावर भी क्या है? 2। तो इसको यदि आपने कर दिया a अपॉन x प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x तो नंबर क्या मिलेगा? 0। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कराना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। बोलो बच्चों समझ आया? अब हम डिवीजन से भी बच जाएंगे, लेकिन नहीं तो अदरवाइज आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करके करना पड़ेगा। और नेक्स्ट इसको ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, ये x से x चला गया। और इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे इस आई वन को, और आई टू को कैसे करोगे बच्चों बताओ? x इंटू 1 माइनस 2x। अब तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं, तो ये माइनस अंदर ले गया, ये प्लस हो गया, ये 2, ये 1/2, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको बच्चों फिर ब्रेक कर देंगे, डिवीजन बच जाएंगे। तो ये बात माइनस हाफ 1 अपॉन 1 माइनस 2x, और ये कट गया। और यहाँ पर बच्चों t मत लगा देना, z मत लगा देना, x ही आएगा क्योंकि ऑपरेटर x का है। और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस c। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।